अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं हूँ अल्लाह का नौकर और आप लोगों का दोस्त इमरान, और मैं आज एक और नया वाकया आप लोगों को सुनाने आया हूँ। ये वाकया किसी का बनाया हुआ नहीं है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये वाकया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्का है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर रोज किसी ना किसी गरीब को खाना खिलाते थे, हर रोज किसी को साथ लेके खाना खाते थे। एक रोज आप पूरा दिन किसी का इंतजार कर रहे थे कि कोई मेरे पास आए, मेरे से खाना मांगे और मैं उसको खाना खिलाऊं। ऐसे ही एक रोज पूरे दिन इंतजार किए लेकिन कोई भी खाने में नहीं आया। इसीलिए आप इब्राहिम सलाम अपने घर के अंदर जाने लगे। उसी वक्त किसी का आवाज़ सुने, वो आवाज़ में ये सुन रहे थे कि मुझे खाना दे दो, मैं पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया हूँ, मुझे बहुत भूख लगा है, मुझे कुछ खाना दे दो। जब इब्राहिम सलाम ये बात सुने वो जल्दी जल्दी में घर से निकालने लगे और बोलने लगे कि तुम बैठो, मैं खाना लेके आ रहा हूँ। फिर आप इब्राहिम सलाम कुछ खाना लाए और उस गरीब के सामने खाना को पेश किए और खाने के लिए बोले, और वो भिखारी जल्दी जल्दी में खाने लगे। फिर आप इब्राहिम सलाम पूछने लगे कि मैंने तुमको खाना दिया लेकिन तुमने मेरा अल्लाह का नाम भी नहीं लिया और तुम ऐसे खा रहे हो जो मुझे पसंद नहीं आ रहा है। आप इब्राहिम सलाम को वो खाने का तरीका इसीलिए पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि वो बहुत ही जल्दबाजी में खा रहा था। फिर दोबारा आप इब्राहिम सलाम पूछने लगे कि मैंने तुमको खाना दिया लेकिन तुमने एक बार बिस्मिल्ला भी नहीं पढ़े। तो वो फकीर जवाब में ये कहने लगे, मैं अल्लाह ताला को नहीं मानता हूँ, बस मुझे खाना मिलता है तो मैं खा लेता हूँ और मुझे जिस दिन खाना नहीं मिलता है तो मैं भूखा फिर सो जाता हूँ। जब इब्राहिम सलाम फकीर का ये बात सुन लिए तो गुस्से में उसकी तरफ देखने लगे और उस फकीर से थाली छीन लिए और कहने लगे कि तुम मेरे नज़र से निकल जाओ, मेरे पास कभी भी खाने के लिए मत आना। फिर वो बेचारा फकीर क्या करता। आप इब्राहिम सलाम का बात सुनते ही वो अपने रास्ता मापने लगे। फिर जब जाने लगे उसी वक्त अल्लाह की आवाज़ आया और इब्राहिम सलाम को कहने लगा, इब्राहिम वो नाफरमान को मैं 80 साल से खिला रहा हूँ, 80 साल से मेरी बनाए हुआ जमीन पे चला रहा हूँ, मैं उसको मीठा नहीं सुला रहा हूँ और तुमने उसको एक टाइम के लिए भी खाना नसीब नहीं किया। तुम तो मेरी नबी हो ना, तो तुमने उसको भेज दिया, तुमने उसको एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं किया, मैं तो उसको 80 साल से खिला रहा हूँ। मेरे अल्लाह इसीलिए कहता है कि मैं तुम्हारे माओ से भी ज़्यादा मेहरबान हूँ, मैं तुम लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। मेरे अल्लाह ऐसे ही नहीं कह देता है कि मैं तुमको प्यार करता हूँ, मेरा अल्लाह जो कहता है वो सच्चा होता है, वो हम लोगों की तरह बात नहीं करता है कि सामने एक कुछ बोल दिया और पीछे में कुछ बोलने लगा। मेरा अल्लाह ऐसा है, कभी सोच के देखना मेरे दोस्तों बुजुर्गों कि मेरा अल्लाह कौन है। मेरा अल्लाह 80 साल के एक नाफरमान को खिला रहा है, 80 साल से एक नाफरमान को सुला रहा है। आप चाहते तो सेकंड के अंदर उस नाफरमान को बुला लेते, उसको आजाब देते, लेकिन नहीं, मेरा अल्लाह भी ये भी कहता है कि मैं तुम्हारा तौबा का इंतजार कर रहा हूँ। बंदो, मैंने तुमको पैदा किया, मैंने तुमको दुनिया में भेजा, तुम मुझे भूल गए। आप सोचिए मेरे दोस्तों, मेरे अल्लाह को कितना बुरा लगता होगा कि हम लोग को पूरी दिन अच्छे से खाना खिलाए, फिर रात को अच्छे से मीठी नींद भी सुला दे, लेकिन एक लम्हे हम लोग अल्लाह का नाम भी नहीं लेते हैं कि अल्लाह आपको शुक्रिया करते हैं, अल्लाह आपने कल रात को इतना मीठी नींद दिए, अल्लाह आपको शुक्रिया करते हैं अल्लाह। आप लोग सोचिए मेरे दोस्तों बुजुर्गो कि मेरा अल्लाह एक नाफरमान के साथ भी कैसा पेश आता है और कैसा हम लोग को सिखाता है कि एक काफिर के साथ भी कैसा पेश आना चाहिए। और हम लोग तो हमारे नबी का उम्मत है, हम लोग भूल चुके हैं। कभी देखना, कभी पढ़ना कि मेरा नबी क्या करके गया है। मेरा नबी को ऐसे मेरे अल्लाह ने हबीब नहीं बनाया। कभी हमारे नबी का इखलाक सुन लेना किसी से। अगर आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद दिल में थोड़ा सा भी ईमान आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।